सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं हाँ मनजोत सिंह। अज दे विशेष बुलेटिन दे विच तुहाडा निग्गा स्वागत करदा हाँ। खबरां दी शुरुआत तों पहलां झात मारदे अज दीआं खास खास खबरां ते। भगवंत मान दी अगवाई वाली कैबिनेट वल्लों सिक्ख्या ते सिहत फंड दे गठन नूं मंजूरी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर दा अस्तीफा मंजूर। सुखबीर सिंह बादल प्रधान सन ते रहणगे विरसा सिंह बलटोहा। देश भर विच मनाया गया रखड़ी दा त्योहार। राजौरी च फौजी कैंप च हमला, तीन जवान शहीद। हुणे खबरां विस्तार च। अपनी तरह दे एक विलखण पहलकदमी तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान दी अगवाई वाली पंजाब कैबिनेट ने अज सूबे विच सेहत ते सिक्ख्या फंड कायम करन लई ट्रस्ट फंड नूं प्रवानगी दे दित्ती है। इस संबंधी फैसला पंजाब सिविल सकत्तरेत विखे मुख्यमंत्री दी अगवाई हेठ होई मंत्री समूह दी मीटिंग विच लिया गया। इस बारे जानकारी देंदे आ मुख्यमंत्री दफ्तर दे बुलारे ने दस्सिया है कि इस फंड दा मुढला उद्देश पंजाब राज दी भूगोलिक सीमा विच सेहत ते सिक्ख्या खेतरां विच पूंजीगत असासियां दी सिरजना या अपग्रेडेशन विच सहायता करना है, तां कि सवे इच्छत दान राहीं लोकां दी भलाई यकीनी बने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर दा अस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। पंजाब दे सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा नाल विवाद होने तो बाद वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर ने 29 जुलाई नूं अपना अस्तीफा मुख्यमंत्री नूं भेजिया सी। काबले गौर है कि सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा बीते दिनी गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज दा मुआयना करन पहुंचे सन। इस दौरान उन्हां नूं एक वार्ड विच गद्दा फटिया ते गंदगी नाल भरिया मिलिया सी, जिस तों बाद मंत्री भड़क उठे अते वीसी डॉक्टर राज बहादुर नूं जिम्मेवार ठहराया सी। देखो जी, वीसी साहब ने अस्तीफा दिता, सरकार ने मंजूर किया, तो इहदे जां तां फिर वीसी साहब की कोई प्रतिक्रिया हो सकती जां कोई सरकार वल्लों आ सकती है। लेकिन जिस तरीके दी तस्वीरां सोशल मीडिया ते आईयां सी, विरोधी पार्टियां भी उन्हां दा राज बहादुर जी ते जाके समर्थन दिंदियां होईयां दिखाई दे रहीआं सी। देखो ये जिहड़ा ना सिस्टम है जिहड़ा बिगड़िया जी, तुसीं कल्ला मेडिकल कॉलेज सरकारी किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाओ जी, इंस्टीट्यूशन चले जाओ जी, उत्थे आम बंदे दी बहुत खज्जल खुआरी होंदी है जी। और इहदे लई कोई एक बंदा एक सरकार नूं आपां जिम्मेवारी नहीं समझा ठहरा सकदे। सो आपां नूं सारिआं नूं ही इकट्ठे हो के इहनूं ठीक करना पैणा, ठीक जरूर करना चाहीदा। उत्थे गद्दे आ गए हुण जी, तुसीं स्पीकर जे विधानसभा दे, गलती किहदी मंनदे जे इस दे विच? मैं एड्डा वड्डा नहीं कि मैं किसे नूं सही ते गलत कह सकां, मैं तां आप सही करन दी कोशिश करदा। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू अते साबका विधायक विरसा सिंह बलटोहा ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे कहा है कि अज जिला प्रधानां दी मीटिंग हुई है। उन्हां कहा है कि झंडा कमेटी दी रिपोर्ट विच प्रधान बदलण दी गल नहीं हुई सी। सुखबीर सिंह बादल प्रधान सन अते रहणगे। विरसा सिंह बलटोहा ने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई ते माण है अते फकर है। श्रोमणी अकाली दल दा जापता है अते कोई भी लीडर पार्टी प्लेटफॉर्म ते गल करे बाहर कोई गल ना करे। उन्हां कहा है कि जेकर कोई प्रधान दे खिलाफ बोलेगा जां बोल रहा है उसनूं बर्दाश्त नहीं कीता जाएगा। पहली तो गल मैं दसदा, उस इकबाल सिंह झूंदा नाल बैठे ने, मैं भी उस कमेटी का मैंबर हाँ, तीन जिला प्रधान असी उस कमेटी के मैंबर हाँ, सतीत सिंह माला बैठे ने, और 13 मैंबर सी ते 13 दे 13 मैंबरां ने सर्बसम्मति दे नाल आपसी पूरी सहमति दे नाल लंबा समा मीटिंगां करन तो बाद एक एक शब्द जिहड़ा आ आपसी सहमति नाल दर्ज कीता। उहदे विच किसे भी थां ते एक भी शब्द प्रधान नूं बदलन नूं लै के नहीं हैगा। और इह तुहानूं क्लीयर कर दईए कि सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान सी, प्रधान हन ते प्रधान रहणगे। ए जिन्ने जिला प्रधान बैठे ने जिहड़े एक्टिंग तौर ते काम कर रहे ने, ये पंजाब दे श्रोमणी अकाली दल दे समूह वर्कर साहिबान दी समर्थक साहिबान दी सारिआं दी ये प्रतिनिधता करदे ने। और असी सरदार सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई दे विच पूर्ण भरोसा प्रगट करदे हां, और पूर्ण भरोसा प्रगट एक शब्द है
पर सानू सरदार सुखबीर सिंह बादल की अगवाई ते माण है, फखर है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल वर्गा दूरां देश विजनरी और एक निमर सुभाअ दा हरेक वड्डे तो लैके छोटे वर्कर का माण करन वाला, सत्कार करन वाला ते नाल डटन वाला ते विरोधियों दे विच भय पैदा करन वाला श्रोमणी अकाली दल दा प्रधान। भैण ते भरा दा प्यार दा प्रतीक पवित्र त्यौहार रखड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। भैणा ने अपने भरावां दे गुट्टां ते रखड़ी बन्नी, टिक्का लगाया अते लंबी उम्र दी कामना कीती है। छोटी बच्चियां ने जिथे अपने घरां विच भरा नूं रखड़ी बन्नी, उत्थे ही औरतां ने अपने पेके घर जा के अपने भरावां दे रखड़ी बन्नण दी रस्म अदा कीती है। उत्थे ही जेलां च बंद कैदियां दीआं भैणां ने भी उत्थे जा के उहनां दे रखड़ी बन्नी अते रोपड़ दी जिला जेल विच भी अज रखड़ी दा त्यौहार मनाया गया। इस मौके जिला जेल के प्रबंधकों वालों वख-वख हवालातियां अते कैदियों नूं रखड़ी बन्नण लई प्रबंध कीते होए सन। अज मानयोग मंत्री साहब वालों अते साडे डी जी साहब वालों विशेष प्रबंध करन लई सानूं कहा गया सी, जिस लई असीं अज जेल दी ड्यूटी दे विच भैणां लई जो अपने भरावां लई रखड़ी बन्न सकन पवित्र अज त्यौहार है उस लई स्पैशल प्रबंध कीते गए हन, जां मिठाई दा प्रबंध असीं कीता तां जो कोई भी किसी किस्म दी किसी नूं कोई ना परेशानी ना हो सके ते अपने आराम नाल अपने इस पवित्र रस्ते ते उन्हां दी रखड़ी बन सकन। मैं रोपड़ जेल च आई हाँ अपने भरा दे रखड़ी बन्नन देव करन दे, तो मैं चाहनी हाँ कि हुण सरकार नूं धन्यवाद हैगी, उहदी सज़ा घटा दित्ती जावे, नाले उहनूं जल्दी तों जल्दी बरी कर दित्ता जावे केस। थैंक यू। जम्मू कश्मीर दे राजौरी जिले विच रखड़ी वाले दिन तड़के दहशतगर्दां ने फौजी कैंप ते हमला कर दिता। इस दौरान होए मुकाबले विच दो दहशतगर्द मारे गए अते तीन जवान शहीद हो गए ने। अधिकारियों ने दस्सिया कि हमले विच दो होर जवान जख्मी होए ने अते जेरे इलाज सन। ADGP मुकेश सिंह ने दस्सिया कि कुछ दहशतगर्दां ने पालगल विच फौजी कैंप विच दाखल होने की कोशिश की, जिसनों सुचेत जवानों ने असफल कर दिता। बीते हफ्ते जलंधर के इंडस्ट्रियल एरिए सुड रोड से स्थित बैंक की शाखा च कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद ना होने कारण लुटेरिया ने मुलाजमान ते गाहकों नूं बंधक बना के पैसे लुट ले सन। उच्च जांच अधिकारी ने दस्सिया कि बंदूकों नाल तीन नकाबपोश व्यक्ति बैंक विच दाखल होए सन अते नकदी अते गहने लुट के फरार हो गए ने। इस तों बाद पुलिस ने कार्रवाई करदिआं दोषियों नूं गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे जानकारी दिंदिआं कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू ने दस्सिया कि अजय पाल दे भरा गुरप्रीत उर्फ गोपी ने अपने दो साथियों विनय तिवाड़ी अते तरुण वासी बस्ती शेख नाल मिल के इस वारदात नूं अंजाम दिता है। 4 तरीक नूं जलंधर यूको बैंक दे विच एक डकैती की वारदात हुई सी, जिस दे विच करीब 13.5 लाख रुपए लुटे गए सीगे। इस घटना नाल सारे शहर दे विच बड़ा सनसनीदार डर का माहौल बन गया सीगा और इस नूं ट्रेस करन वास्ते पुलिस ने स्पैशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करके हर संभव यत्न करके साडे जिन्हें अफसर सीगे जिहदे च DCP इन्वैसटिगेशन, DCP सिटी, ADCP सिटी, ADCP इन्वैसटिगेशन, ACP सब डिवीजन के जेडे नॉर्थ सब डिवीजन के और ACP इन्वैसटिगेशन, इन्होंने सारे ने बहुत मेहनत करके ये केस ट्रेस करने में सफलता हासिल की है। ये बहुत ही अच्छा टीमवर्क का नमूना है और इन्नी परसिस्टेंट एफर्ट जी लगी हैगी उसके सिटे वजो असी जिहड़े दोषी जिन्होंने ये वारदात की है उन्होंने गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए हैं। कुल 3 दोषी इस वारदात अंजाम देने मुलवसन, जिन्होंने असी 2 नूं गिरफ़्तार कर लिया है, एक वैपन रिकवर कर लिया है और 7.5 लाख रुपये की अमाउंट जी है रिकवर कर ली है, बाकी की अमाउंट भी जल्दी रिकवर कर ली जाएगी। जिहड़ा मास्टरमाइंड हैगा उसनों भी गिरफ़्तार कर लिया है, एक गिरफ़्तारी बाकी है जिस दे नाल सारी की सारी रिकवरी हो जाएगी। हाँ जिहड़ा ये 2 अक्यूज है इन्हां ते पहला बहुत सारे परचे है और ये परचे इसे ही नौजत है लुट खो दे मर्डर दे काफ़ी सारे वक् वक् पंजाब के वक् वक् थाणियां दे विच परचे रजिस्टर हुए हैं। ये हार्ड एंड क्रिमिनल्स है और इन्हां ने पहला बहुत सारे क्राइम किए।
ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੈਕੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਕੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। मानसा जिले के कस्बा पिखी के नाल लगते पिंड समाओ विखे बीती शाम 17 साल शेंटी सिंह पुत्र काला सिंह का कुछ गुआंढी नौजवानों वालों तेज तार हथियारों नाल कतल कर दिता गया। पिंड वासी किसान आगू भोला सिंह समाओं ने दसिया कि गली विचों लंघदे नौजवानों च आपसी बहसबाजी होने कारण कुछ नौजवानों ने शेंटी सिंह का तेज तार हथियारों नाल कतल कर दिता। उक्त सारे नौजवान मजदूर परिवारों नाल संबंध रखते हैं। एस एच ओ प्रितपाल सिंह ने दसिया कि मृतक नौजवान की माता जरनैल कौर ने बयान अते 8 व्यक्ति खिलाफ परचा दर्ज कर लिया गया ते अगली कार्रवाई की जा रही है। ये जी कल जो भोला सिंह हैगा उहदे बच्चों का जन्मदिन सीगा, बच्चों का जन्मदिन मना रहे सीगे, अचानक ही वो बाहर निकले, दूजे जिहड़ा संटी है जिहदा कतल होया मोढ़े च मोढ़ा बज गया, उन्हें कहा भी संभल के अचानक ही बस बच्चों तू तू मैं हो गई तो जिस करके आपका तू तू मैं इवें तो वादे वादे तो जो तलवार सी जिवें कहिंदे वह बच्चे दे पेट विच दी लंघ गई तो लोगों ने हट हटा कराया तो चलो जो भाणा वापरना सीगा वो वापर गया। जमा आंढ गुआंढ आमने सामने घर ने गए तो पहला कोई आप कोई रंजिश नहीं सी, जो भाणा वापरिया वो जिवें कहिंदे बहुत दुखदाई समाओ निवासियों लई मतलब बड़ी घटना हैगी। अचानक ही एक मतलब दोनों परिवार ही उजड़ गए तो बहुत ही दुखदायक घटना हैगी। जी सर, रात समा जी वारदात हुई है कि कार्रवाई हुई है? ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਟੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖੀ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਟੀ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੈਂਟੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 312 ਮੁਕਦਮਾ ਦੀ ਖੇਤਰ ਕਰਕੇ ਗਏ। फरीदकोट की गौशाला हंदियाणा गेट विच वड्डी गिणती गौशाला लंपी तफड़ी रोग की लपेट विच आ गई हैं, जिन्हां विचों करीब 12 गौं की बीते दिन ही मौत हो गई। इसे दे चलदे अज गौशाला विच समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब के सहयोग नाल पशु पालन विभाग वालों वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई है अते गौं नूं वैक्सीनेशन लगाईआं गईआं ने। इसे मौके डॉक्टर हरिंदर सिंह भुल्लर ने दसिया कि वैक्सीनेशन की जा रही है अते जेकर कोई पशु इस बीमारी तो पीड़ित पाया जा रहा उसनू बाकी पशुओं तो अलग किया जाता है। समाज सेवी संस्था के आगू अर्श सच्चर ने कहा है कि उन्हां दी संस्था रोटरी क्लब वालों वैक्सीनेशन मुहैया करवाई गई है अते गौशाला के प्रबंध राकेश शर्मा ने कहा है कि विभाग दीआं हदायतां अनुसार पशुओं नू रखिया जा रहा है। ये पंजाब सरकार दी हदायतों के अनुसार लंपी स्किन डिजीज़ जी है वो अगेंस्ट वैक्सीन की जी ड्राइव चल रही है, उस सिलसिले के अज असी आनंदियाना गौशाला जी फरीदकोट के इतने आए हैं, जो साड़ी सरकार वालों टीम बनाई गई हैं वो तहत असी जी वैक्सीन स्टार्ट की है। ये वैक्सीन ड्राइव के अज जी सानू आनंदियाना गौशाला की जी मैनेजमेंट है तो नाल जो रोटरी क्लब है इन्हां दे सहयोग दे नाल असी अज ये वैक्सीन कर रहे हैं। अज इस गौशाला दे विच असी करीब 200 एनिमल नूं कवर करना है वैक्सीनेशन के थ्रू, तो जे कोई बीमारी तो पीड़ित पशु सानूं लगता है उन्हूं असी अलग करके उहदा इलाज करा। डैथ दे कारण यह है, देखो बीमारी का प्रकोप तो हैगा ही है पर उहदे नाल कई चीज़ां जिहड़ियां सैकेंडरी मतलब सैकेंडरी इनफेक्शन, क्योंकि जिहड़ा ये मौसम चल रहा ये तरह तरह के जिहड़े वैक्टर है वो होंदे आ उहदे नाल कुछ बीमारियां जिहड़ियां उह फ्लरिश होंदियां ते लंपी दे नाल जे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हैगा ते उहदे नाल मौत हो सकदी। ये जिहड़ा एक बीमारी जिहड़ी गावां च चली है लंपी पॉक्स की उहदे बारे एनीमल हस्बेंडरी वालों जिहड़ी सानू गाइडलाइन दित्तियां गईआं सीगियां भी साफ सफाई रखनी है तो जिहदी गां दे विच बीमारी आ गई उहनू अलग करना उस हिसाब दे नाल असीं करी जा रहे हैं। अज रोटरी क्लब जिहड़ा फरीदकोट है उनके वल्लों भी अज गवां दे जिहड़ी है वैक्सीनेशन की जा रही है, एनीमल हस्बेंडरी भी लगातार जिहड़ी है देख रेख कर रही हैगी है
ਅਤੇ ਸਾਡੇ 750 ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜੀਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ SDM ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ 75 ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 75ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, 75ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 75 ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ 100 ਮਰੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਅੱਜ 700-800 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ OPD ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੇ 5 ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸਰਪੰਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਵੈਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 6 ਪਿਸਤਲ, 1 ਰਿਵਾਲਵਰ, 25 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 1 ਐਕਟਿਵਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।